कोरबा नगर निगम के वार्ड 64 के पार्षद पवन गुप्ता ने निगम के चुनाव में उगता सूरज छाप से निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। पार्षद ने जीत के बाद वार्डवासियों से वादा किया था कि बाकी मोगरा में सूर्यदेव का मंदिर निर्माण कराएंगे। अपना वादा पूरा करते हुए उनके द्वारा भव्य सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण प्रगति पर है। पार्षद का कहना है कि कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर वार्डवासियों के समर्थन में निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ा था। निर्वाचन आयोग से उन्हें उगता सूरज छाप चुनाव चिन्ह मिला था, जिसमें वार्डवासियों के समर्थन से जीत हासिल की थी, इसलिए सूर्यदेव का मंदिर निर्माण करने अपने पैसे से कराने का प्रण लिया था, जिसे पूरा किया जा रहा है। हम आपको बता दें, कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बावजूद निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद पवन गुप्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। ये चुनाव लड़ रहा था ना, मैं उगता सूरज से लड़ा था, तो मैं अपने मन में रखा था कि अगर मैं जीतूंगा तो छठ घाट में सूर्यदेव का मंदिर बनवाऊंगा। सहयोग ये आपका रेलवे दफाई से प्रेम केवट है, उधर से सुरेश चौधरी है, सरलजीत यादव है और लोग हैं, पूरे वार्ड के लोग हैं, सहयोग मिल रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट।